आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन की आज कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्थान एवं नियोजन नीति के विषय में मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले स्टेट सर्विस एग्जाम में हुई गड़बड़ी के कारण आयोग में अध्यक्ष को इस्तीफा देने और एक अच्छी साफ लोक सेवा आयोग का गठन करने की मांग की है, और ये भी कहा कि अगर आयोग में सुधार नहीं हुई तो आयोग द्वारा कंडक्ट कराए हर एग्जाम, चाहे वो SSC हो या स्टेट सर्विस की, हर एग्जाम का विद्रोह का आंदोलन करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। कि राज्य में अनुबंध पर हजारों हजार नियुक्तियां अपना भाई भतीजे बिजात के कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से की जा रही है और समय आने पर उसको रेगुलराइज कर किया जा रहा है। इससे स्थानीय और नियोजन नीति का जो मेन चीजें हैं, हमारा सिद्धांत है राज्य को आगे बढ़ाने का, वो क्षरित हो रहा है, हनन हो रहा है। राज्य सरकार से निवेदन है तत्काल प्रभाव से निविदा पर नियुक्ति बंद करें और डायरेक्ट नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। स्थानीय और नियोजन नीति बना करके एक मार्गदर्शिका बनाए और उसके बाद ही नियुक्ति नियमावली बनाए, ऐसा हम लोग का सोच यहाँ का जनता की ओर से हुआ है, लोगों की ओर से हुआ है। दूसरा, राज्य सरकार से निवेदन है, यह हमारा सुझाव है और मांग है कि राज्य में सबसे पहले स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाए और उसके बाद ही नियमावली बनाए, नियुक्ति नियमावली, ये जरूरी है। उल्टा बन रहा है ताकि राज्य से बाहर लोग को यहाँ पर नौकरी में ना मिले, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्रेरणा मिले, उद्योग धंधा में मिले, व्यापार में मिले, कारोबार में मिले, तमाम धंधा में यहाँ के लोगों को बढ़ावा मिले और उस अवसर मिले। आज जो स्थितियाँ हैं झारखंड में, बाहर के लोग आवर्जित हो रहे हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, राजकीय सेवाओं में आ रहे हैं और विभिन्न तरह के नियुक्ति प्रणाली में वो लोग हावी हो रहे हैं और यहाँ काबिज कर रहे हैं नौकरी। आज मुझे मालूम है कि झारखंड में 50,000 नियुक्तियां जब से झारखंड बनी है संविदा पर और कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, जिसमें बाहर के लोग काबिज हो गए हैं। ऐसे में यहाँ का जो लोग हैं, झारखंड के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, झारखंड के जो पैदा लिए हुए नौजवान हैं, यहाँ के मूल तत्व हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार इसको सुरक्षा प्रदान करे और नियम बनाए। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में भारी गड़बड़ी है, राजनीतिक अव्यवस्था है, राज्य में कोई भी काम बिना लेन देन का नहीं हो रहा है, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या थाना स्तर पे हो या विभिन्न जो राजकीय संरचना है, हर स्तर पर लूटपाट और बनी हुई है। हर स्तर पर, चाहे जमीन का कारोबार हो, जाति प्रमाण पत्र का कारोबार हो, अन्य जो राज्य सरकार के महातर ऑफिस, संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में हमारी एक बैठक हुई है कोर कमेटी की। इसमें हम लोग ने महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज झारखंड में है, जो सरकार और जनता और हम सबों के लिए अहम रखता है, उन बिंदुओं पर 54 संगठनों के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है। सबसे प्रथम निर्णय हम लोग का आज हुआ है वह ये, राज्य का एकमात्र संवैधानिक संस्था जो नियुक्ति से संबंधित रखता है, क्लास 2 के सर्विस के नियुक्ति करता है, राजकीय सेवाओं के नियुक्ति करता है, विभिन्न संघों के नियुक्ति करता है, झारखंड लोक सेवा आयोग जो पिछले जो परीक्षाएं हुई थी, संयुक्त परीक्षा हुई थी स्टेट सर्विस की, उसमें ये रेजुलेशन हुआ, निर्णय हुआ कि वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में जो समिति है उनके द्वारा भयंकर गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है। यह अनियमितता और गड़बड़ियां राजहित में नहीं है, राज के लोगों की विश्वसनीयता इस संस्था के प्रति घटी है, जिसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार है, अथवा
हम कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष स्वतः इस्तीफा दे और इस्तीफा देकर राजहित में अच्छे लोक सेवायोग के गठन की मार्ग को प्रशस्त करे, अन्यथा राज्य में हम सभी राज्य की जनता आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे और राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति अन्य फॉरम पर हम विचार को रखेंगे, मंतव्य को रखेंगे और राज्य में किसी भी नियुक्ति निकाय के द्वारा, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे अन्य चीज़ों पर नियुक्ति होगा, उसका जन विरोध होगा, जन आंदोलन होगा और हम अच्छा भविष्य राज्य का हो इसकी कामना के साथ करेंगे। हम देख रहे हैं कि राज्य कोई काम हो तो यहाँ की जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं और राज्य की सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है, बचकुल साथ दे रही है, ऐसा एहसास किया गया यहाँ के सामाजिक संगठनों की कोर कमेटी की बैठक में। राज्य में राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोग चरमरा गए हैं और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, स्वच्छंद रूप से प्रशासन में काबिज, राज्य के पदाधिकारी लूट में शामिल हो चुके हैं। इस तरह की व्यवस्था से हमारा झारखंडी समाज, जिसका छुटकारा पाने के लिए आज 21 साल पहले हम आज़ाद हुए हैं, बिहार से अलग हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज़ाद हुए हैं, अलग हुए हैं और वो मुद्दा आज उल्टा गिनती शुरू हो गया है। इसलिए वर्तमान जो हमारी सरकार है, हेमंत सरकार से निवेदन है कि रघुवर दास जो स्थानीय नीति बनाए थे उसके अनुरूप उसको संशोधन करके उससे भी बढ़िया कट ऑफ डेट तय करे और स्थानीय नीति बनाए। रघुवर दास जी 30 साल पहले बनाए थे 1985 में। हमने मांग की है 1932 के खतियान को आधार मानिए, अन आधार को पब्लिश कीजिए और सशक्त और जोरदार स्थानीय नीति बना करके राज्य के निवासियों को आगे लाने में आप मदद करें, अन्यथा राज्य में जन विद्रोह को कोई रोक नहीं सकता है। 20 तारीख को दिसंबर को हम राजभवन के सामने महाधरना कर रहे हैं और ये तमाम बातों को राज्य सरकार नहीं कर रही है, इस गुहार को हम राज्यपाल के सामने रखेंगे, क्योंकि राज्यपाल के अभिभावक हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, राज्य के सारे सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं और उसमें हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न कोने से विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारा प्रदर्शन होगा और राज्य में एक आंदोलन के सूत्रपात होने जा रही है जो राज्य के लिए भलाई के लिए होगा, अहिंसात्मक होगा, शांतिपूर्ण होगा, संवैधानिक होगा और राज्य की जो लचर व्यवस्था है, आज यहाँ विधायक प्रतिनिधि और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व हैं वो हम कह रहे हैं यहाँ जनता करिए, वो सही दिशा में राजहित में काम नहीं कर रहे हैं। कारण 21 वर्षों के बाद भी झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जनता की और पूरे देश में हर राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति हर राज्यों के लिए वहाँ के निवासियों के लिए बनी। हम यहाँ आदिवासी मूलवासी रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, रोटी छीनी जा रही है, रोजी छीनी जा रही है बाहरी लोगों के द्वारा हर स्तर पर, ये हमको बर्दाश्त नहीं है राज्य की जनता को। इसलिए राज्य सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, इन मुद्दे पर गंभीर हो, वरना राज्य में भयंकर आंदोलन, जन आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, सरकार की सेहत पर भी असर पड़ सकती है। भाषा संस्कृति ये तमाम चीजें हमारी उभर के नहीं आ रही है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा उभर के नहीं आ रही है, सारे राज्य में पढ़ाई का जो लचर व्यवस्था है, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, प्राथमिक स्तर पर हो, निचले स्तर पर हो, दुरुस्त नहीं है, तो हमारा लड़का कहाँ कम्पीट करेगा
ना राज्य में कंप्लीट करेगा, ना दूसरे राज्यों में नौकरी में कंप्लीट करेगा, ना आईएएस बनेगा, ना आईपीएस बनेगा, ना साइंटिस्ट बनेगा। इस तरह का लचर व्यवस्था का दुरुस्त करे। कहीं भी शिक्षक नहीं है विश्वविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, किसी स्तर पर में है, कॉलेज में नहीं है, ये किसको देखना है? प्राथमिक स्कूल में नहीं है। ऐसे में हमारा राज्य का मानव संसाधन का विकास नहीं होगा, और इस मानव संसाधन के विकास के बगैर राज्य के विकास की कल्पना बेमानी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राज्य में प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर का संरचना मजबूत हो, धारदार हो, और विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम का डेवलप करे। मुख्यमंत्री यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, नहीं करते हैं तो उस पर भी हम लोग का आंदोलन खड़ा होगा। इसमें हम चाहते हैं विकास, हम चाहते हैं दूसरे राज्य के प्रति के समक्ष आवें, हम चाहते हैं कि विश्व स्तरीय एजुकेशन हो। चूंकि झारखंड में जिस तरह के रत्न गरबा है, जिस तरह का संसाधन है, जिस तरह की व्यवस्था है जो दुनिया को पाल सकता है, झारखंड गरीब होगा, जन्म लचर होगा। ऐसी स्थिति हम यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के बौद्धिक समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हम राज्य का नियामक बनने के लिए हम लोग तैयार हैं।